नमस्कार, आज हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कि हम पोटली डिजाइन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम पोटली कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कटिंग करेंगे, उसके पहले मेरे कटिंग करने से पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ लाइक भी कर दीजिएगा। तो अब हम बताएंगे कि हम कैसे कटिंग करेंगे, किस तरह से। ये कपड़ा जो मेरा कतरन बचा खुचा रहता है, हम उसी का डिज़ाइन बनाएंगे। जैसे कि ये मेरा कपड़ा है, तो हम इसे लेंगे कम से कम, जैसे ये है मेरा 4 इंच, तो हम 2-2 इंच की ये कटिंग करेंगे। इसमें 2 भाग करेंगे 4 इंच में, और लंबे दौर में हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपका कपड़ा ये लंबाई में है तो आप पूरा लंबाई में ले सकती हैं। अगर ये कपड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में है तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में भी कटिंग कर सकती हैं। कपड़ा मेरा इतना सारा कटिंग हो चुका है। आप चाहे तो इसे एक रंग में बना सकती हैं, चाहे तो अगर आपके ब्लाउज या साड़ी में कई रंग है तो आप 2-3 रंग में मिला के भी बना सकती हैं। और कपड़ा कटिंग करने के बाद मेरा ये फॉर्म है, जो कि फॉर्म हम फेंक देते हैं। जैसे कि साड़ी या सूट में फॉर्म निकलता है तो हम उसे उठा के कबाड़े में फेंक देते हैं, तो फेंकना नहीं चाहिए। हम इसी फॉर्म को इसमें यूज करेंगे। ये जो हम पोटली बनाएंगे तो उसमें इसी फॉर्म को हम यूज करेंगे। फॉर्म भी हम इस तरह से ऐसे कटिंग कर लेंगे। फॉर्म को भी हम ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग करेंगे। हम इसको एक टुकड़ा ये कपड़े को लेंगे और दूसरा टुकड़ा ये फॉर्म को लेंगे। फॉर्म को हम इस तरह से ऐसे करेंगे और इस कपड़े के अंदर रखेंगे। कपड़े के अंदर रख के हम इसको सीधा ऐसे कर लें। हम एक कपड़े इसको लेंगे, एक टुकड़ा कपड़ा, और दूसरा हम इस फॉर्म को लेंगे। तो इस फॉर्म को हम इस तरह से ऐसे गोली बनाएंगे, तो गोल गोल ऐसे करके फिर हम इसके अंदर रखेंगे। इसके अंदर रख के हम इसे इस तरह से गोल करेंगे। गोल करके ये हम धागा लेंगे और धागे को इस तरह हम टाइट करके कस के इसको लपेटेंगे। ऐसे लपेट के अब हम इसमें इस तरह से ऐसे गट्ठी लगाएंगे ताकि ये धागा खुलने ना पाए। ये पोटली बन गया। ऐसे ऐसे करके हम 3-4, मतलब पूरा कम से कम 15-20 ही तो हम बनाएंगे, जो कि मेरे पूरे ब्लाउज के गले में लग सके। इस तरह से ऐसे ये अब तो डिज़ाइन हम आपको ये बता दी कि हम पोटली कैसे बनाते हैं। तो मेरा पोटली इतना सारा बन चुका है, ये देखिए। ऐसे करके हम ढेर सारा पोटली बनाएंगे। अब इसे हम ब्लाउज में किस तरह सेट करेंगे ये हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। ये मेरा डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो चुका है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट द्वारा आप ज़रूर बताइएगा, और कमेंट भी ज़रूर करिएगा।
और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।